Let's start with question number 31. It says two dice are thrown at the same time. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8? हमें चाहिए कि two dice throw किए गए हैं और उसमें total sum कितना आ रहा हो, 8 आ रहा हो. तो इसके लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, दो dice की information लिखनी पड़ेगी. एक dice की लिख ले और दूसरी तरफ क्या करोगे, दूसरी डाई की इंफॉर्मेशन लिखोगे. दूसरी डाई में भी ऑब्वियसली कितने आउटकम्स आ सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 ही आ सकते हैं. दैट इज 1 2 3 4 एंड द अदर वन इज 5, देन द लास्ट वन इज 6. और हमें देखना है कि सम किस किस में 12 13 या 8 आते हैं. तो पहले देख लेते हैं हम सारी वैल्यूज को पुट करके. 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2. अगर 1 और 1 आएगा हमारे डाई पे तो इट विल गिव रिजल्ट ऑफ 2. 1 और 2 होगा तो 3, 1 और 3 होगा तो 4, 1 और 4 होगा तो 5, 1 और 5 होगा तो 6, 1 और 6 होगा तो 7. और नेक्स्ट में 2 और 1 होगा तो 3, 2 और 2 होगा तो 4, 2 और 3 होगा तो 5, 2 और 4 होगा तो 6, 2 और 5 होगा तो 7, 2 और 6 होगा तो 8. 3 + 1 is nothing but 4. 3 + 2 is 5. 3 + 3 is 6. 3 + 4 is 7. 3 + 5 is 8. 3 or 6 कितना हो जाएगा, 9. And 4 and 1 will be 4. Sorry, 4 and 1 will be 5. 4 and 2 will be 6. 4 and 3 will be 7. And 4 and 4 will be 8. 4 and 5 will be 9. 4 and 6 is 10. 5 and 1 is 6, 5 and 2 is 7, 5 and 3 is 8, 5 and 4 is 9, 5 and 5 is 10, 5 and 6 is 11. This will be 7, this will be 8, this will be 9, this will be 10, this will be 11, and the last one will be 12. So yes, the first one is कि 8 कब appear होगा हमारा sum 8 कौन सी value पे आएगा. तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो आपके पास ये वाली वैल्यू है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है एंड ये वाली है. कितने हैं टोटल, 5 हैं. और टोटल आउटकम कितने हैं, 36. सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 13 होनी चाहिए. और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 13 तो किसी की है ही नहीं, किसी की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं कि 0 आ रहा हो. तो मतलब किसी की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं कि 13 आ रहा हो. तो इट विल बी नथिंग बट 0/36. नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, लेस देन और इक्वल टू 12. लेस देन और इक्वल टू 12 मतलब 12 से कम होना चाहिए. और 12 भी हो सकता है. तो कितने होंगे टोटल, सारे 36 होंगे ये तो, क्योंकि सारे इंक्लूडेड होंगे इसमें, क्योंकि उन्होंने बोला है कि लेस देन और इक्वल टू 12 होंगे. तो इट विल बी 36 over 36. 36 over 36 will be 1 as the resultant. So yes, this is the answer for 31st one. Now we'll be moving to section D of same paper in the next video.